Dear student, good morning. Today in online classes we will read the book on page number 95, last chapter, last paragraph, देखेंगे sedimentary rocks. Some natural forces, कुछ जो प्राकृतिक forces हैं, बल हैं, like moving air, जैसे कि चलती हुई हवा, water बहता हुआ पानी and ice contentedly और जो बर्फ है, constantly break down the rocks, ये चट्टानों को तोड़ देती है into the smaller crystals, छोटे-छोटे parts में these small pieces ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं और रॉक्स चट्टानों के आर कॉल्ड सेडिमेंट्स इन्हें हम सेडिमेंट्स कहते हैं सेडिमेंट्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस ये विभिन्न आकारों के होते हैं रेंजिंग फ्रॉम ग्रेविल टू सैंड और ग्रेविल से लेकर के सैंड तक क्ले से तक दे आर यूजली ट्रांसपोर्टेड और उन्हें ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाई रिवर्स नदियों के द्वारा एंड डिपॉजिटेड ऑन द फ्लोर और ये फ्लोर किनारे डिपॉजिट हो जाते हैं ऑन द लेक्स और झीलों के जो फ्लोर्स होते हैं उन पर जमा हो जाते हैं सी समुद्र में और ओशियंस या महासागर में ड्यू टू हैवी प्रेशर बहुत अधिक दबाव के कारण दे गेट कंप्रेस्ड को कंप्रेस्ड हो जाते हैं एंड आर सीमेंटेड टुगेदर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स और इनके परिणाम स्वरूप सेडिमेंटरी रॉक्स का निर्माण होता है सेडिमेंटरी रॉक्स आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रॉक्स एंड स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी कहते हैं या इसका डिपोजिशन टेक्स प्लेस इन लेयर्स क्योंकि इन लेयर्स में डिपोजिशन होता है संग्रह होता है सैंडस्टोन लाइमस्टोन क्ले सेल चॉक जिप्सम एंड कॉन्ग्लोमरेट आर द सम एग्जांपल ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स ये सेडिमेंटरी रॉक्स के कुछ एग्जांपल हैं सेडिमेंटरी रॉक्स कवर अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस तो सेडिमेंटरी रॉक्स हैं वह पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 पार्ट को कवर करते हैं ऑजेस विच आर डेड रिमेंस ऑजेस जो कि डेड रिमेंस हैं डेड रिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पौधे और जानवरों के ऑफ द पास्ट टाइम पिछले समय से आर फाउंड इन सेडिमेंटरी रॉक्स वो सेडिमेंटरी रॉक्स में पाए जाते हैं कोल इज इटसेल्फ ए सेडिमेंटरी रॉक जो कोल है वह खुद अपने आप में एक सेडिमेंटरी रॉक्स है पेट्रोलियम एंड न्यूट्रल गैस आर आल्सो फाउंड इन द लेयर्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स और सेडिमेंटरी रॉक्स की लेयर्स में पेट्रोलियम और न्यूट्रल गैस भी पाई जाती है दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स इन्हें फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है दे आर ए ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी यह ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है मेटामॉर्फिक रॉक्स द टर्म मेटामॉर्फिक इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड जो मेटामॉर्फिक टर्म है वह वर्ड से लिया गया है मेटामॉर्फोसिस विच मीन्स जिसका मतलब है चेंज ऑफ फॉर्म रूप का परिवर्तन व्हेन इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक्स आर सब्जेक्टेड जब ये इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक्स सब्जेक्ट हो जाती है टू एक्सट्रीम हीट बहुत अधिक गर्मी के कारण एंड प्रेशर के द्वारा दबाव के कारण दे अंडरगो ए कंप्लीट चेंज तो उनमें पूर्णतया परिवर्तन हो जाता है इग्नियस और उनके रूप में एंड करेक्टरिस्टिक्स और उनकी विशेषताओं में सच रॉक्स आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स इस प्रकार की जो चट्टाने हैं उन्हें हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं चेंज भी अगर और ये परिवर्तन जो होता है अगर एज ए रिजल्ट ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी ये वोल्केनिक एक्टिविटी के परिणाम स्वरूप हो सकता है मूवमेंट इन द अर्थ क्रस्ट जो कि पृथ्वी की क्रस्ट के में जो